नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, एक किसान होता है और किसान बड़ा ईमानदार होता है, बड़ी सच्ची लगन से, दिल से, मेहनत से, मेहनत करके बहुत अच्छी खासी खेती करता है। अभी खेती कर करके काफ़ी पैसा कमा लेता है। अभी पैसा कमाने के बाद होता क्या है कि जो उसके आजू बाजू के आसपास की जगह होती है, वो जगह किसान सब भी खरीद लेता है। अभी जगह ज़्यादा और खेती ज़्यादा हो जाती है उसके पास, तो उसे लगता है कि अब मुझे किसी काम करने वाले लड़के को अपने साथ रखना चाहिए जो मेरी सपोर्ट कर सके, जो मुसीबत में मेरे काम आ सके। वो लड़के हायर करता है। बहुत सारे लड़के बोलता है कि मतलब हमने इंटरव्यू लेना है, आप एग्रीकल्चर के बारे में जो भी जानते हो, दूर दूर से लोग आते हैं, उसे इंटरव्यू में सैलरी अच्छी खासी होती है। तो भाई कहते हैं कि अच्छा पैसा, ज़्यादा पैसा हर किसी को अच्छा लगता है, तो बहुत दूर दूर के लोग आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। सभी से पूछता है कि आप एग्रीकल्चर के बारे में क्या जानते हैं, सभी बताते हैं अपना अपना सभी, तो उसे समझ नहीं आता, किसान को समझ नहीं आता कि किसे रखे किसे नहीं, सभी को रिजेक्ट करता चला जाता है। अभी लास्ट का लड़का बच्चा होता है, उससे पूछता है कि आप खेती के बारे में क्या जानते हैं, तो वो लड़का कहता है कि जब तेज हवा आएगी तो मैं सो जाऊंगा। सो किसान कहता है ये कौन सा जवाब है। अभी उस किसान उससे कहता है कि ऐसा कर, तू पास है तो तेरा इंटरव्यू के लिए रे तू काम करना स्टार्ट कर दे। तो लड़का काम करना स्टार्ट कर देता है। एक दिन अचानक में रात में किसान भागता भागता आता है, उसे ढूंढता है कि कहां पे है तू, आंधी आ रही है, अनाज सारा देख, समेट अनाज, जानवरों को हटा, सेफ जगह लेके जा, अगर बाई चांस हवा तेज चली तो जानवर इधर उधर हो जाएंगे, फिर नुकसान हो जाएगा। तो बंदा जो होता है, जिसे उसने हायर किया होता है नौकरी पे रखने के लिए, जो कहता है कि जब तेज हवा आएगी तो मैं सो जाऊंगा, तो देखता है कि किसान जाकर देखता है वहाँ पे चुपचाप शांति से सो रहा होता है। तो किसान देखता है, कहता है ये देखो तो सो रहा है, तो कहता है उठ उठ, उठता नहीं है, कहता चलो अब नहीं उठ रहा, कोई बात नहीं, सारा काम मेरे को ही करना पड़ेगा। अभी जाता है किसान, देखता है और सारा का सारा काम हुआ रहता है, जानवर अच्छे से सेफ जगह बंधे रहते हैं और अनाज वगैरह सारा अच्छी तरीके सेफ्टी से रखा होता है। तो वो आता है, लड़का आता है, कहता है कि जाओ आप चुपचाप शांति से सो जाओ, मैंने सारा काम पहले से ही कर रखा है। तो मेरे दोस्त, मैं यही, ज़्यादातर हमारे लोगों में यही होता है कि जब टाइम आता है एट ए टाइम हम कोई काम करते हैं, एट ए टाइम, जिसकी वजह से कभी कभी नुकसान भी झेलना पड़ता है। उसका जो आंसर था वो बड़ा अटपटा था, जिसकी वजह से उसने उसे नौकरी पर रखा था कि जब तेज हवा आएगी तो मैं सो जाऊंगा। भाई उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी कि कोई भी काम पहले करता था। सो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी काम टाइम से पहले करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, एट ए टाइम ना करें जिसकी वजह से नुकसान हो। कहते हैं कि दोस्त की जरूरी नहीं है कि जब बारिश आए तभी छाता लो, उससे पहले छाता ले लो, भीगने का कोई फायदा नहीं है। मॉरल स्टोरी यही है, अपना काम टाइम से पहले करें, ठीक है, एट ए टाइम ना करें जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। लास्ट में थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने भी लाइव सेशन के लिए वोटिंग पोल रख रखा है चैनल के ऊपर, कमेटी के ऊपर विजिट करें, वहाँ पे अपना वोट करें, अगर लाइव स्ट्रीम करूँ या नहीं करूँ अपना वोट दें वहाँ पे, जो भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा, ज़्यादा रिस्पॉन्स जो इस पर रहेगा मैं वही करूँगा। सो बाकी आप सभी सपोर्ट करें यार, बाकी फिर से कहता हूँ क्वेश्चन क्या करो यार, क्वेश्चन नहीं करते आप, कमेंट क्या करो यार, कमेंट करोगे तो रिप्लाई। हाँ, अभी बहुत से लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट सभी को कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सभी को सपोर्ट कर रहा हूँ। सो लास्ट में फिर से एक बार थैंक यू सो मच, और अपना प्यार दें आप सभी।